प्रिय विद्यार्थियों, हम नदी के रूप तक लिख चुके हैं पिछले वीडियो में। अब आगे हम लिखेंगे अपना टॉपिक चल रहा था कि संज्ञा शब्द रूप प्रकरण उकारान स्त्रीलिंग धेनु। धेनु धेनु का अर्थ क्या होता है? गाय। धेनु गाय, गाय उकारांत। देखो कुआ है अंत में, उकारांत स्त्रीलिंग शब्द, स्त्रीलिंग शब्द। धेनु का अर्थ होता है गाय, उकारांत स्त्रीलिंग शब्द। विभक्ति प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन। संबोधन अब बेटा देखो इधर एक वचन एक वचनम द्विवचनम बहुवचनम। अब देखो बेटा धेनु, धेनु धेन गए, धेनु धेनवान, धेनवान। अब क्या है? ऊ की मात्रा आई हुई है तो ऊ में अपन ने बताया था वाह वही वाह वाह वाम, धेन वही धेनवा, धेनु और धेनवा। और वो भ्याम भी भ्याम है, भ्याम है धेनु भ्याम, धेनु भ्याम, धेनु भ्याम। धेनु भी धेनु भय धेनु भय। अब देखो पढ़ने का आता है, सही आता है तो यही आएगा और वही आता है तो देखो ये होता तो यो आता और वे आया है तो क्या आएगा? वो आएगा धेन वो, धेन वो, धेन वो। धेन वो, धेन वो। अब धेनु नाम देखो, धेनु नाम में ऊ की मात्रा बढ़ी जाएगी क्योंकि अंतिम स्वर वर्ण को क्या करते बड़ा कर देते हैं धेनुसु। हे धेनु,
हे धेन वह देखो उपारांत बधू बधू का अर्थ बहु ठीक है बधू बधू उकारांत ठीक है बेटा बधू उकारांत स्त्री शब्द धेनु की तरह ही चलेंगे वो भी वही बा वही बाबा वहां आएगा भ्याम भी भ्याम पर भ्याम भे देखो बधु 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 बधुए बधु बधो बधुए बधू बधू
मामा जोड़ रहे हैं आगे खाली, मामा नहीं मां, मां मामा जोड़ दो दे, खाली मां जोड़ना है, मां ये आपके लिए एक वचन कंप्लीट सप्तमी तक, एक वचन कंप्लीट हो गया बेटा। अब दी वचन देखो, मातरो रहु मातरो मातरो, इसमें वो ध्यान दी ध्यान दे ध्यान दे, देखो क्या है बेटा, चतुर्थी में क्या देखेंगे, मंत्र आया हुआ है, ये आता तो यो, वो बे आता तो वो, त्रे आया हुआ है तो क्या आएगा, त्रो त्रो, ठीक है त्रोणाम। अब देखो अपन बार बार ये नाम लिख रहे थे, अब इसके बारे में बताएंगे, पहले ऊपर लिख लेते हैं ना, मात्र है और मात्री, इसकी में मात्रा क्या करती है, दीर्घ करती है और विसर्ग लगा दिए, ठीक है, उसमें क्या करते हैं पुल्लिंग में मात्रा को दीर्घ करके न लगा देते हैं, ठीक है बेटा, मातरी मातरी, अब क्या है कि मात्रा को तो दीर्घ कर दिया यहां पे, और अणाम क्यों, नाम क्यों आया, नाम नहीं आ करके अणाम आया नाम, ठीक है, अब क्यों आया, कि आ रहा है रे री से, रे री से, त्रे, ये क्या हूं तो क्या हो जाता है वहां पे रे री से छत्र हाँ। तो रे हो री हो से षटकोण हो त्रिशूल हो छत्रज्ञा हो, तो वहां पे क्या हो जाता है कि ने के स्थान पर क्या कर देते हैं अपन, ने के स्थान पर अने कर देते हैं, पर यदि ने पूरा होना चाहिए, ने पूरा है आधा नहीं। अब देखो यहां पर लिखते हैं अपन द्वितीया का भी बहुवचन, द्वितीया का बहुवचन रामान लिखते हैं, नहीं लिखते, अंतिम वर्ण है, अंतिम वर्ण है और क्या है ये भी आधा है, इसलिए क्या कर रहा है ऐसे कैसे छोड़ दिया, नहीं तो यहां आता क्या पूरा होता तो ऐसे आता, ठीक है। अब देखो कैसे रामेण अंतिम वर्ण पर क्या है पूरा है, तो इसलिए क्या हुआ नहीं क्या अरे हो गया, हरेण पढ़ाते नहीं पढ़ाता बालकिन, ठीक है मात्रा आम, हे मात्र है, हे मात्र हे मात्र है, ए मात्र है, ये बेटा माता के रूप हो गए कंप्लीट। अब अपना लिखेंगे नपुसकलिंग शब्द रूप, ठीक है नपुसकलिंग शब्दों के रूप लिखेंगे,
संज्ञा शब्द ही चल रहे हैं, फल अकांत एरांत में अकांत नपुंसकलिंग शब्द, नपुंसक देखो फलम फले फलानी, फलम फले फलानी फलम फले फलानी फलम फले फलानी बाकी राम की तरह आनी। फलम फले फलानी फलम फले फलानी। अब देखो राम में होता है फलेन फलाय फलात, राम की तरह हमने अलस्य फले फले, राम अभ्याम की तरह फलाभ्याम फलाभ्याम। बेटा जैसे राम में लगते हैं वैसे ही लगेंगे, मतलब तृतीया से लेके सप्तमी के बहुवचन तक, तृतीया के मतलब ये सभी तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी और सप्तमी के एक वचन द्विवचन बहुवचन सभी किसकी तरह बनेंगे, राम की तरह बनेंगे। ठीक है, राम यो पुरुष हलियो हले यो हल यो हले, रामाभ्याम क्या होता है, रामाभ्याम रामेभ्य फलेभ्य फलेभ्य अब फलानाम। राम के में क्या था कि आम आ रहा था और यहां क्या आएगा, नाम आएगा फलेसु ए फलम। वैसे फल का संबोधन होता नहीं है, फल को कैसे संबोधित करोगे तुम, फल तो नपुंसकलिंग शब्द है किसी को बुलाने के लिए दिया जाता है फले ए फलानी। ए फलानी आगे के सब ग्रुप बेटा अगले वीडियो में लिखेंगे। ठीक है बेटा, देखेंगे।